शिवजी का मन राजी नहीं हुआ, लक्ष्मी को ऐसे कैसे छोड़ दूं। शंकर भगवान ने लक्ष्मी को देखकर कहा, लक्ष्मी आज तक तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी कहलाती थी, आज ये देव अधिदेव महादेव, तूने कुछ नहीं मांगा, इसलिए मैं महादेव अपना महाशब्द तुझे देता हूं, अपना महाशब्द तुझे देता हूं। दुनिया के लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द तुझे देता हूं, आज से तू विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी कहलाए, महालक्ष्मी। सुन लक्ष्मी, अपना सोमवार एक ही वार मेरे पास में है, वो सोमवार भी तुझे देता हूं। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आपने सोमवार मुझे दिया है, मैं इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे महादेव आपको वचन देकर जाती हूं, जो सोमवार के दिन शिव मंदिर में भूल से भी एक लोटा जल चढ़ा देगा, मैं महालक्ष्मी कहलाती हूं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है, लक्ष्मी घर में आती है वापिस चली जाती है, पर महालक्ष्मी जिसके घर में आती है वो जिंदगी भर के लिए नहीं जाती। महालक्ष्मी कह रही है, बाबा आपने मुझे सोमवार का दिन दिया, जो सोमवार के दिन शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल समर्पित करेगा, ये महालक्ष्मी उसके लोटे को खाली नहीं जाने देगी, उसमें स्वयं महालक्ष्मी बैठकर उसके घर तक जाएगी, उसके घर तक जाएगी, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोलबम का नारा है, बाबा एक सारा। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये अनुभव रखिए, वहां से आप खाली हाथ नहीं आते, महालक्ष्मी आपके साथ आती है। कौन आती है? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी आपके साथ। भयनाक